औरत हूं जो मर्द की शरीके जिंदगी बनकर उस पर अपना प्यार अपना तन मन लुटाकर उसकी जिंदगी पुर मसरूर बना देती है। मैं औरत हूं जिसको कभी जहेज ना मिलने से जिंदा जला दिया गया तो कभी लौंडी और गुलाम समझकर जुल्म और अत्याचार का शिकार बना दिया गया और कभी बांझ ठहरा कर तलाक देकर घर की दहलीज से निकाल दिया गया। सुनिए सुनिए, उठिए, आपकी पट्टी तैयार है। चाय तुम लाई? जी हाँ। क्यों, घर में इतने सारे नौकर हैं, वो किस लिए? जी दरअसल मुझे काम करने की आदत है, इसलिए मैंने सब नौकरों को समझा दिया है। समझा दिया है, यहाँ उनकी छुट्टी नहीं करनी। नहीं, मैं बोला उनकी छुट्टी करने वाली कौन होती है? क्यों, अब तो तुम इस घर की छोटी मालकिन। छोटी मालकिन? तो फिर बड़ी मालकिन कौन है? बड़ी मालकिन? बड़ी मालकिन नहीं, बड़ी मालकिन तो अम्मी है। अम्मी? इस घर में आपकी अम्मी नहीं है? लेकिन मैंने तो यहाँ किसी को नहीं देखा। वो सब तो उमरा पर चले गए हैं, ये 6-7 महीने के बाद लौटेंगे। 6-7 महीने? ज्यादा देर भी लग सकती है। क्यों, क्या बात है? हमारे साथ हमारी महफिल में दिल नहीं लगता क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो तो अच्छा लगता है, और अगर आपकी अम्मी यहाँ होती तो उनकी खिदमत करने का मौका मिलता। आप तो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं और मैं सारा दिन इतने बड़े घर में अकेली रहती हूँ। अब थोड़ा सा सब्र और कर लो, घर में नया मेहमान जो आने वाला है, जिसके आते ही मेरी सारी दुनिया बदल जाएगी, सारी हवेली खुशी से झूम उठेगी। रजिया तो खुशी से पागल हो जाएगी। कौन रजिया? कौन रजिया? वही जिसके बारे में अभी आप कह रहे थे। अरे नहीं, शायद यूं मुझसे निकल गया। दरअसल मैं अम्मी के बारे में सोच रहा था। जब तक वो वापस लौटेंगी तब तक तुम ही इस घर की बड़ी मालकिन हो। नहीं, मुझे छोटी ही रहने दीजिए, बड़ी बनना मेरी चाहत नहीं, बस आपको और इस घर का प्यार मिले मेरे लिए यही बहुत है। आप नहीं जानते, आपने मुझसे शादी करके मेरे घर वालों को जो कर्जे के बोझ से आजाद किया है, ये आसान मैं आपका कभी नहीं भूल सकती। नहीं मेरा, आसान मन तुम्हें तुम्हारा जो तुमने मेरी बात रख ली।
मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझता हूं जो मुझे तुम जैसी खूबसूरत बीवी मिली। ये तो आपका बड़ा एहसान है, वरना मुरझाए हुए फूल को कौन अपने गुलिस्ता में सजाता है। मेरे सामने ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती। तुम्हारा माजी क्या है उससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मैं आज के लिए जीना चाहता हूं, सिर्फ आज के लिए, और आज तुम मेरी हो। मेरा मकसद पूरा हो गया। मकसद? कैसा मकसद? मेरे कहने का यह मतलब है कि इस घर में अल्लाह का दिया सब कुछ है, अगर कमी है तो इस खानदान के वारिस की, जो कमी तुमने दी। अल्लाह ने चाहा तो आपकी ये मुरादें पूरी होगी। दोस्ता की माँ, क्या बात है दिलाल? आपसे गांव के कुछ लोग मिलने आए हैं। हाँ, उनसे बैठने के लिए कहो, मैं तैयार होके आता हूं। ठीक है हुजूर। महीने हो गए जब आपने विदा किया। ऐसा लगता है जैसे 7 साल हो गए आपको देखी हुई। पापा, मैं आपको हर महीने खत लिखती हूँ और साथ में रुपए भी, लेकिन पापा अभी तक आपने मुझे कोई खत नहीं लिखा। पापा, क्या मुझसे कोई खता हो गई है?
पर अमेरिका क्या गई? उधर ही के होकर रह गई। उन्होंने भी मुझे ना तो कभी फोन किया और ना ही कोई खत लिखा। अब नजमा को ही ले लीजिए। वो भी शादी के बाद जैसे मुझे भूल ही गई। आपके सामने ही जो मुझे नजमा का एक खत मिला, बस पापा वही खत, उसका आखिरी खत था। उसके बाद भी उसने मुझे कोई खत नहीं लिखा। पापा मुझे उनकी बहुत याद आती है। माँ कैसी है? क्या अब वो आपका ख्याल रखती है? यही फिक्र मुझे खाई जा रही है। पापा प्लीज इस बार मुझे खत जरूर लिखना। मैं आपके खत का बेसब्री से इंतजार करूंगी। आपकी बेटी नीलूफर।
अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम सलाम। कहिए क्या चाहिए? आपने मुझे शायद पहचाना नहीं सर। मैंने आपको वाकई नहीं पहचाना। कौन है आप? सर मैं हूं इरशाद खान, आपका पुराना स्टूडेंट। शायद आपको याद नहीं है, आप हमें अंग्रेजी पढ़ाया करते थे और मैं अक्सर क्लास में लेट आया करता था और आप मुझे टेबल पर खड़ा करते थे। माफ करना, कुछ याद नहीं आ रहा। शायद हालात की गर्दिश ने मेरे जहन को खोखला और नजर को कमजोर कर दिया है। मुझसे कोई काम? सर मैं आपके बेटे तहसीन के बारे में आपसे मिलने आया था। सर वो एक बहुत बड़ी चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार हो चुका है। कौन तहसीन? तुम किसी तहसीन को नहीं जानते। मैं आपके अपने बेटे तहसीन की बात कर रहा हूं। तुम्हें गलत फहमी हुई है इंस्पेक्टर, हमारा कोई बेटा नहीं है। जो था वो बरसों बीत गए, मर चुका है। मैं चलता हूं। बेटा खाली हाथ आए थे? खाली हाथ जा रहे हो? ये किताब तो लेते जाओ। किताब? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे ये किताब तुम खरीद लो। हमने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं, हमें बहुत भूख लगी है। भूख से निढाल हो रहे हैं। जब उनको भूख लगती है तो वो रोते हैं, चिल्लाते हैं। मेरा जिगर पारा पारा हो जाता है। मुझे सचमुच ही बुला दिया है। पापा मुझसे ऐसी कौन सी खता हो गई है जो आप इस कदर उठ गए हैं? पहले तो
कभी कभार फोन किया करते थे, लेकिन अब काफी अरसे से ये सिलसिला भी बंद है। पापा, क्या आप सचमुच मुझे भूल गए हैं? पता है पापा, आप नाना बनने वाले हैं। पापा, आप तो समझ सकते हैं ना कि इस वक्त एक औरत को मायके वालों की कितनी जरूरत होती है। पापा, ये खत मिलते ही मुझे लेने के लिए यहां से पापा ये खत मिलते ही मुझे यहां से ले जाने के लिए किसी को जल्दी भेजना। हमेशा की तरह आपको कुछ रुपए भी भेज रहे हैं। आपकी बेटी नीलूफर। दिलावर, दिलावर, जी मालकिन। दिलावर, ये लो। सुनो दिलावर। जी मालकिन। दिलावर, मैं तुम्हें हर महीने खत और कुछ रुपए देती हूँ घर भोजन के लिए। देखो दिलावर, मुझे गलत नहीं समझना, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन दिलावर मेरे खत क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे अभी तक किसी भी खत का जवाब नहीं आया है। देखो, मैं अब भी फिर से कह रही हूँ, मुझे गलत नहीं समझना, लेकिन दिलावर मुझे आगे कुछ गड़बड़ लग रही है। कैसी गड़बड़? दिलावर, मेरे पापा अपने सौदे नहीं हो सकते। बेटी की शादी को 2 बरस बीत गए, लेकिन उन्होंने आज तक मेरी कोई खबर ही नहीं ली। मैंने कितने खत उन्हें लिखे, लेकिन उन्होंने आज तक मेरी किसी भी खत का जवाब ही नहीं दिया। क्या बात है, तुम इस तरह खामोश क्यों हो? तुमने मेरे किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। लगता है मेरे दिन पूरे हैं मार्किन, क्योंकि मुझसे अब चुप रहा नहीं जाएगा। चुप रहा नहीं जाएगा? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? बेटी, बेटी उसे हार कर देना, बेटी मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे बिना जीने नहीं, बेटी मैं तुम्हारे बिना
मुझे तुमसे ये बात छुपाने नहीं दी, लेकिन मैं क्या करता, अपने फर्ज से भी मजबूर था, अपने फर्ज से भी मजबूर था बेटी, अपने फर्ज से भी मजबूर था। देखो बिलावर, मुझे मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है। बेटी बेटी, जो राज मैं तुमको बताने जा रहा हूं उसकी सजा मेरी मौत है, लेकिन अब मुझे मौत की कोई परवाह नहीं, क्योंकि मुझसे उनकी मक्कारी और खुदगर्जी बर्दाश्त नहीं होगी। तुम मेरी बेटी जैसी, मेरी अपनी बेटी अगर जिंदा होती तो इस वक्त तुम्हारी जान, इसलिए इसलिए मुझसे तुम्हारी तड़प की परेशानी देखी जाएगी। बेटी बेटी, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा कैसे देखा? हाँ बेटी, हमारे हुजूर की एक उम्मीद है। क्या? हाँ बेटी, हुजूर असल में इस घर के दामाद है, इस घर की तमाम जायदाद की मालिक रजिया बेगम है। वो बच्चा पैदा न कर सकी, इसलिए उनके कहने पर ही हुजूर ने तुमसे इसलिए शादी की ताकि तुमसे कोई औलाद हो, और बच्चा पैदा होते ही वो तलाक देंगे। रजिया बेगम का यही हुक्म है। बेटी बेटी, इस हवेली में इंसान नहीं परिंदे बसते हैं, परिंदे। बेटी बेटी, आज तक तुमने जितने भी खत लिखे और जो भी रुपया अपने घर भेजना चाहा, वो तुम्हारे घरवालों तक इसलिए इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि ये रजिया बेगम का हुक्म है।